हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद हम फिर से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा विन सीसी, जो कि सिमेटिक विन सीसी कंट्रोलर यहाँ पे आप देख रहे हो। तो विन सीसी अपना स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे हम जो करेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे एक नॉर्मल प्रोजेक्ट एकदम स्टार्टिंग से। आज का टॉपिक बस यही रहेगा कि हम इस पे बस नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक सिंपल स्विच और लाइट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट का नेम देते हैं, मान लो सपोज टेस्ट एंड देन क्रिएट सिस्टम। ओएनसीसी के लिए थोड़ा अच्छा सिस्टम चाहिए, मतलब मिनिमम i5 अगर हो तो अच्छा रहता है, फिर भी नहीं तो चलेगा। जैसे मैं अभी i3 में चला रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि मतलब ये थोड़ा स्लो चलता है, इधर से और कोई उतना डिफेक्ट है नहीं। हम फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे टैग मैनेजमेंट पे चले जाएंगे। अच्छा, हम इस पर नॉर्मल लॉजिक गेट्स देखने वाले हैं। ओके, तो फॉर देट हम क्या करेंगे कि एक स्विच लेते हैं, दो स्विच हम लेंगे, S1 एंड S2 एंड देन वन आउटपुट। ओके, तो ये स्विच है, डिजिटल बिट में काम करता है। डिजिटल मीन्स बाइनरी टैग। तो हम टैग्स को चेंज कर लेते हैं बाइनरी में। बाइनरी टैग्स लेने के बाद हमें जो करना होगा वो है इसको मिनिमाइज कर देना, एंड उसके बाद ग्राफिक डिजाइनर पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके हमें जो है टैग्स, जो हम ग्लोबल टैग्स जो है उसको इनेबल कर देंगे, ये जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो। ओके, टैग्स लॉगिंग रन टाइम एंड ग्लोबल स्क्रीन रन टाइम्स, इनको हम इनेबल कर देंगे। देन ओके, फिर से एक बार देख लो। यहाँ पे हम कंप्यूटर्स पे इसको राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं। देन प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो सेम वही है, सेम कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट ओके करेंगे, ओके करेंगे, चलेगा। उसके बाद चले जाएंगे हम ग्राफिक डिज़ाइनर पे, बिकॉज अब जो भी डिज़ाइन हम करेंगे वो ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर क्या होगा कि ये जो मैंने दो स्विच और एक लाइट्स लिया वो मैंने बताया, अभी यहाँ पे हम ऐड करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर स्विच लाइट्स वगैरह सब। और ऐड करने के बाद फिर नेक्स्ट हमारा काम होगा कि कोड लिखना। ओके, तो कोड्स भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले अभी व्यूज पे जाते हैं, टूलबार्स, जेन लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरीज के अंदर जो है मतलब जितना भी डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स होता है वो लाइब्रेरीज के अंदर आपको मिलेगा, लाइक प्रोजेक्ट लाइब्रेरी, ग्लोबल लाइब्रेरी। ओके, और उसके अंदर सिम्बल्स, सिम्बल्स पे जाएंगे तो सिम्बल्स के अंदर जो बटन्स, मतलब दो बटन हमें चाहिए। जैसे बटन 3D आप यहाँ पे देख रहे हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके अंदर फिर टॉगल बटन्स हमें चाहिए। टॉगल बटन्स के लिए हम चले जाते हैं सबसे पहले ऑपरेशंस के अंदर। ऑपरेशंस के अंदर जाके बटन 3D जैसे यहाँ पर है तो हमें टॉगल बटन्स चाहिए। टॉगल बटन जैसे ये वाला बटन ऑन ऑफ नंबर 1, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। दो स्विच हमें चाहिए तो मैं इसी को बड़ा कर लेता हूँ एंड देन इसी को डुप्लीकेट करेंगे। तो दो स्विच हमारे यहाँ पे हो गया। अभी एक आउटपुट हमें चाहिए होगा, तो आउटपुट के लिए हम सर्कल्स एक ले लेते हैं। सर्कल्स में से हम एक सर्कल ले लिए, तो सर्कल इट विल बिकम द आउटपुट। अभी देखिए क्या करना होगा। हालांकि आप को ये पता होना चाहिए कि कैसे होता है, फिर भी मैं आपको बस एक बार दिखा रहा हूँ। डबल क्लिक, देन सबसे पहला काम होता है कि हमें इफेक्ट्स, देन ग्लोबल शेडो जो है इसको नो करना, इसको भी नो करना। उसके बाद कलर्स, जो बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो हम डालेंगे। तो बॉर्डर कलर हमें नीचे, बैकग्राउंड कलर जो है बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। डायनेमिक टैग्स, डायनेमिक टैग पे जाके हम इसको टैग डिफाइन करेंगे। तो टैग जो है हमारा L है, टैग ले लेते हैं। देन राइट क्लिक अपन चेंज, टैग्स हमारा हो गया फॉर लाइट। अभी स्विच है दो, और एक होगा स्विच वन, दूसरा स्विच टू। तो स्विच वन हम लेंगे, असाइनमेंट्स पे जाएंगे, टॉगल बिट अगेन यहाँ पे राइट राइट क्लिक करेंगे। देन टैग, टैग पे जाएंगे, S1 ले लेते हैं फर्स्ट, देन राइट क्लिक अपन चेंज एंड दूसरा स्विच सेम वैसे ही, यहाँ पे राइट क्लिक टैग S2। ओके, राइट क्लिक अपन चेंज। तो ये हो गया कि हमारा दो स्विच हो गया, S1 हो गया, S2 हो गया, और ये हो गया अपना आउटपुट। ओके, इसको सेव करना है, जो भी डिज़ाइनिंग करेंगे हम बस इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसका काम हो गया। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं अपना स्क्रिप्ट्स में, ग्लोबल स्क्रिप्ट्स के अंदर। ग्लोबल स्क्रिप्ट्स के अंदर सी एडिट, तो यहाँ पे जो है सी प्रोग्राम पे पूरा काम होता है। तो सी प्रोग्रामिंग अगर आपको पहले से पता है तो मतलब यहाँ पे VNCC के अंदर काम करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पर आपको न्यू एक्शन एक बना लेना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी, पूरा ही सी कोडिंग यहाँ पे करना होगा।
तो प्रोग्राम हमने बना लिया, जैसे देखो हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे शुरू से ही था, तो हमने क्या किया ये एक्शन पॉइंट ये सब भी पहले से ही था। तो अगर कंडीशन ऐसा है कि एंड गेट के लिए, ठीक है, तो मतलब कि अगर गेट टैग बिट s1 इक्वल इक्वल वन, मतलब s1 अगर वन हुआ, s1 अगर यहाँ पे वन होता है एंड अगर s2 भी वन होता है, तो सेट टैग बिट जो ये अपना लाइट है, ये से सॉरी जो अपना लाइट है, ये लाइट जो है ऑन होना है, एल्स नहीं तो लाइट अपना ऑफ रहेगा। ओके रिटर्न 0। तो ये कंडीशन हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं बिकॉज इसको भी सेव करना है। अच्छा ओके एक्चुअली हमने इसको कंपाइल नहीं किया, तो यहाँ पे कंपाइल करके देन सेव करना होता है। कंपाइल करने के बाद सेव कर लेंगे तो वो वाला एरर इस पर आएगा नहीं। कंपाइल हो जाने के बाद नेक्स्ट वाला जो कंडीशन है हमारा, प्रोग्राम को स्कैन करने के लिए हमें एक टारगेट यहाँ पे देना होता है, ठीक है। जैसे टैग का नेम हम यहाँ पे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाम देने के बाद एक्चुअली इसको टाइमर जो है, टाइमर के अंदर साइकिल साइक्लिक के अंदर हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। नाम देने के बाद यहाँ पे जो एकदम सबसे कम टाइम है 250 ms, 250 ms ये वाला टाइम सिलेक्ट करके अप्लाई करना है, देन ओके करना है, देन अगेन अप्लाई, देन ओके। उसके बाद इसको कंपाइल कर ले एक बार, कंपाइल करके सेव कर दिया जाए। ओके तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। नेक्स्ट काम हमारा जो है वो ये प्रोग्राम हमारा बना हुआ है, इसको सेव करके रन करना। तो अभी आप जैसे देख सकते हो कि प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइसेंस का इशू है कि बिकॉज हम ट्रायल वर्सन यूज़ कर रहे हैं। ओके इट्स रनिंग। रन पूरा प्रोग्राम आ जाने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा दो स्विच और एक लाइट आ गया। लाइट अभी ब्लैक कलर में है। ओके कलर्स हमें चेंज करना है। कलर्स चेंज कहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ पे डबल क्लिक किए कलर सेक्शन पे, तो बॉर्डर बैक बॉर्डर कलर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है। कलर देने के लिए क्या करना होता है कि राइट क्लिक करो डायनेमिक डायलॉग, डायनेमिक डायलॉग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट काम जो है आपको टैग ऐड करना है, उसके लिए बीट पे जाएंगे। अभी टैग्स पे जाने के बाद जो अपना लाइट है एल, तो ये लाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, देन ओके, देन यस एंड सॉरी ये एक्चुअली बूलियन है, देन क्लिक ऑन बूलियन। ट्रू पे एक कलर आपको दे दे रहे हैं, सपोज हम ग्रीन लेते हैं, एंड नो मतलब फॉल्स पे सपोज हम रेड ले लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स का कलर ले लिया, उसके बाद टैग यहाँ से सिलेक्ट कर दो एल, टैग सेलेक्ट करके ओके। एंड टैग पे स्कैन टाइम भी हमें देना होता है, टैग का नेम वही एल, ओके, एंड स्कैन टाइम अपन चेंज, ओके 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 okay. सेव। उसके बाद हम इसको फिर से रन करेंगे, रन टाइम पे क्लिक करेंगे। तो अभी रन हो गया ना, हो इसको थोड़ा साइड में लेते हैं, और यहाँ पे अपना कोड है, कोड हम लिख के रखें कि अगर स्विच ऑन होता है दोनों एंड एंड, मतलब दोनों स्विच अगर ऑन होता है देन अपना लाइट ऑन होना, लाइट ऑन का कलर हमने दिया हुआ है ग्रीन। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट अपना ऑन हुआ है। अभी सपोज हम यहाँ पे एंड की जगह पे अगर और डालते हैं, तो और मीन्स अगर हम और डालते हैं और इसको सेव करते हैं, ओ सॉरी कंपाइल करके हमें सेव करना है, कंपाइल करके हम सेव किए, इसको कंडीशन चेंज हो गया। अभी अगर दोनों से कोई भी एक स्विच अगर ऑन होगा तो लाइट ऑन होना है। ओके देखो दोनों में से कोई भी एक अगर ऑन हो रहा है तो लाइट ऑन होगा। ओके तो ये ग्रीन कलर में ऑन ऑफ हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ पे बस सिंपल एक लॉजिक गेट का फंक्शन देखे, एंड गेट का फंक्शन है, और गेट का फंक्शन देखे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहाँ पे हम और भी दूसरे लॉजिक गेट्स का फंक्शन देखेंगे, और साथ में इसका जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है वो धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक ही हमें जो है मोटिवेशन देता है अगला वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।